मैं यहाँ एकदम प्लेन वाइट कुर्ती के ऊपर पेंट करूँगी तो आप इसके नीचे इस तरीके की कार्डबोर्ड रख सकते हैं मार्केट में इजीली मिल जाएगी आपको कोई भी लोकल स्टेशनरी शॉप पे या फिर आप इस तरीके की फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ही पतले टाइप की कपड़ा यूज़ करते हैं तो और हमें आज इस टाइप की जो थोड़ी थिक होती है जो पेपर उसको चाहिए आप आर्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही थीक है तो इसका इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ आप पेंसिल से भी इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कट कर सकते हैं एक भी बना सकते हैं या फिर तीन भी बना सकते हैं ध्यान से कट करें आपके हाथ पे ना लग जाए बहुत आसान है और इस तरीके से कोई भी जिनको बिल्कुल पेंट नहीं आती है वो भी पेंट कर सकते हैं तो इस तरीके की होगा तो देखिए यहाँ मैंने तीन कट करके रखा है तो एक्चुअली इस टाइप का होगा और कलर में यहाँ रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और फ्लैट ब्रश फ्लैट ब्रश से क्या होती है इससे अच्छा होती है तो साइड पे बस इसको अच्छे से प्रेस करें इधर उधर ना हो जाए बस इसको हाथ से अच्छे से प्रेस करके उसके साइड पे इस तरीके से कलर आप स्प्रेड कर दीजिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपने मनपसंद के और एक चीज़ मैं यहाँ सिर्फ रेड कलर यूज़ कर रही हूँ बट आप यहाँ और भी एक कलर इसके साथ ऐड कर सकते हैं इस तरीके से स्प्रेड करने के लिए देखिए कितने अच्छे हैं इसको बस आपको क्या करना है अच्छे से प्रेस करके रखना होगा है ना बहुत आसान एकदम आसान सा तरीका जिसको कोई भी बना सकते हैं ये देखिए अब ये तीसरा भी हो गई है तो इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ पेंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप पहले से पेंसिल से मार्क करके भी कर सकते हैं कहाँ पर आपको करना है और कलर वाइट के ऊपर ऑलमोस्ट सारे कलर अच्छे लगते हैं बट डार्क कलर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और लाइट कलर के ऊपर हमेशा कोई डार्क कलर से पेंट करें और डार्क कलर के ऊपर हमेशा कोई लाइट कलर से पेंट करें आई मीन उल्टा करें क्या मैं सेम बोल रही हूँ आई मीन डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर और लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर से करें और इस तरीके से कलर करने के टाइम ध्यान रखें आपके हाथ पे ना कलर लग जाए क्योंकि ऐसे बहुत होती है मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है अभी थोड़ी कम हो गई है पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता था हाथ से कलर बहुत ज़्यादा कपड़ों के ऊपर इस साइड पे उस साइड पे लग जाती थी उसको मैनेज करने के लिए मैं क्या करती थी पता है आपको उसके ऊपर और एक फ्लावर बना देती थी इस तरीके से तो यहाँ आप एक दो भी बना सकते हैं जैसे मैं यहाँ तीन टाइप की बना रही हूँ तो आप ऐसा पसंद नहीं तो दो भी बना सकते हैं जैसे साइड पे थोड़ी थोड़ी कम जगह होती है या फिर नेक के साइड पे थोड़ी कम स्पेस होती है वहाँ पर आप एक या दो पत्ती भी बना सकते हैं इस तरीके से ये ट्रिक मैं पहली बार मैं वीडियो पे ट्राई कर रही हूँ आई होप आप सबको पसंद आए ये कुछ नया कुछ मैंने ट्राई किया एक्चुअली जिनके लिए जिनको बिल्कुल पेंट करना बिल्कुल आई मीन I mean, होता ही नहीं उनके लिए स्पेशली और करना तो चाहते हैं बट ऐसे नहीं होता है सबके साथ बट ये इजी ट्रिक्स अब सब कोई भी यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी और इसके ऊपर यहाँ थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस भी बनाऊँगी और कलर में यह मेरी ये बहुत ही एक आ, पसंद की एक शेड है ये है टाकवाइज ब्लू और मैं यहाँ ज़ीरो नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसको आफ्टर वॉश कुछ नहीं होती है अब हाथ से हमेशा ड्रेस को वॉश करें कभी भी मशीन के अंदर इसको मत डालें और कोई भी नॉर्मल डिटर्जेंट माइल्ड डिटर्जेंट या फिर आप इजी या शैम्पू से भी इसको वॉश कर सकते हैं बस ध्यान रखें आप आप इसको हाथ से ही वॉश करें आप पेंट के ऊपर कभी भी प्रेस ना करें हमेशा प्रेस करना है तो इसकी बैक साइड पे प्रेस करें और ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए पेंट करने के बाद इसको रख दीजिए कुछ मत करना उसके बाद नेक्स्ट डे पे आप इसके बैक साइड पे एक बार प्रेस कर लेना और इसके बाद सेवेंटी टू आवर्स के बाद आप इसको कभी भी वॉश कर सकते हैं बट सबसे अच्छा होती है कि आप एक हफ़्ता के लिए इसको ऐसे रख दीजिए उसके बाद ही वॉश करें और बहुत ज़्यादा दिन अब अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो डेली वेयर में इसको मत पहनिए। आई मीन थोड़ी थोड़ी कम जितना पहनेंगे ना तो वो कलर बहुत ज़्यादा दिन रहते हैं आफ्टरऑल ये कलर ही है जितना आप टेक केयर करेंगे उतना दिन ये कलर रहेगा और इस टाइप के आपको बहुत सारे डिज़ाइन मेरी चैनल पे मिल जाएगी अगर आपको पसंद है तो मेरी चैनल चैनल पे देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ब्रश के बैक साइड पे इसको आप, आप कॉटन जो बाढ़ होती है उससे भी कर सकते हैं बट ब्रश के बैक उसमें कलर थोड़ी ज़्यादा लगते हैं और इसलिए मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ क्यों और बस छोटे छोटे डॉट करना है और कुछ नहीं और बांगाली ही कमेंट करते पारो कि जानते चाहो बोलते पारो ब्लॉगर चैनल देखते चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाए देखते पारो और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और ये पहनने के बाद मैं ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो के एंड पे और आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ये देख सकते हैं आफ्टर कंप्लीट है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसको ज़रूर ट्राई करना बाय